बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिवम शुक्ला है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत डिमांड की, सर न्यूमेरिकल बताइए, तो आपकी डिमांड के आधार पे मैं आज आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल पिछले 10 सालों में 7 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो बच्चों, आप जानते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय टी बराबर होता है 2.303 बटे के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, जहाँ पर के 6 स्थिरांक है, 6 नियतांक है, ए प्रारंभिक मात्रा है, ए माइनस एक्स टी समय के बाद बची हुई शेष मात्रा है। यदि अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखा है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए, यानी ये आपका समय जो दिया गया है 99.9% पूर्ण होने के लिए। यदि समय टी बराबर टी 99.9%, हमने मान लिया कि प्रारंभिक मात्रा ए बराबर 100 है, और टी समय के पश्चात शेष मात्रा ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस इतनी अभिक्रिया पूरी हो गई है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 99.9 बराबर 0.1। अब बच्चों ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 99.9%, क्योंकि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए, तो 99.9% बराबर 2.303 बटे के लॉग ए का मान है 100, 100, और ए माइनस एक्स का मान है 0.1। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 2.303 बटे के लॉग 1000। अब बच्चों यदि समय, अब कह रहा है अर्धायु काल वो समय होता है जिसमें जो समय है वो आधा हो जाता है, और प्रारंभिक मात्रा जो होती है वो अपनी जो मात्रा होती है, बनी हुई मात्रा, वो प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है। तो देखिए, यदि समय टी बराबर टी हाफ हो गया, अब प्रारंभिक मात्रा 100 थी, तो अब टी समय के पश्चात शेष मात्रा अर्ध आयु काल में ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50, क्योंकि 100 का आधा कितना होता है 50, तो आपका ये 50 आ जाएगा, 100 माइनस 50 बराबर 50। और बच्चों ये सारे मान हम लोग इस सूत्र में रख देंगे, तो टी 50%, टी 50% बराबर आ जाएगा 2.303 बटे के लॉग 100 बटे 50, 50 दूनी 100। बच्चों ये हो गया समीकरण 2, और ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो बच्चों भाग दे देते हैं, 99.9% भागित 50% बराबर, अब इन दोनों को हमने भाग दिया, तो बच्चों इससे ये कट जाएगा। अब आपका भाग देने पे आएगा लॉग 1000 और भागित लॉग लॉग 1000 और भागित लॉग 2। ये देखिए लॉग 2 आया था, लॉग 2। अब बच्चों ये इसको 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब ये जो 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 3 आपका आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 log 10। और बच्चों log 10 का मान होता है 1, याद रखिए बच्चों log 10 का मान होता है 1, तो log 10 का मान ये 1 हो गया, तो हो जाएगा 3 गुणा 1। अब बच्चों इसका जब हम इसमें दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे, तो लगभग में 10 आएगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 10, ये 10 लिख लिया, और ये पी 50% भाग में इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो देखिए गुणे में हो गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया 99.9% बराबर 10 गुणा पी 50%, 50%। इसी प्रकार से बच्चों आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि 99.9% बराबर 3 गुणा 3 90%। दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल था, दूसरा है 99% बराबर टी, अब हम लोग 99% बराबर हो जाएगा 2 गुणा टी 90%, और तीसरा सवाल है
टी तीन बटे चार बराबर दो गुना टी हाफ। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, क्योंकि मेन चीज आप ग्रुप वाले व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो सभी को दिक्कत आती है, तो किसी को दिक्कत ना हो वो जो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम शेयर करेंगे सेंड करेंगे वो मैं सभी बच्चों को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, किसी को कष्ट ना दीजिए, कोई दिक्कत है समस्या है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा।